अस्सलाम वालेकुम, आतिफ बंगश अपने एपिसोड नंबर 32। और लास्ट टाइम हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी गूगल सर्चिंग को इन डेप्थ हमने चेक किया, और मैंने अपनी जो एपिसोड नंबर 31 थी उसको मैंने लास्ट एपिसोड कह दिया। लेकिन उसके बाद कुछ चीज़ें मेरे नज़र से और गुजरी और मुझे ख्याल आया कि वो चीज़ें भी इस सीरीज़ में शामिल कर लूँ गूगल के हवाले से, तो इसलिए मैं एक और ये वीडियो इसी सीरीज़ में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो गूगल की मज़ीद आपको कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो रह गई है वो भी दे दूँ, आपके काम आएगी। और इसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं, गूगल बहुत ज़बरदस्त मीडियम है और इसमें बहुत कुछ है। अभी भी मैंने आपको शायद 10-20% ही इसके बारे में बताया हूँ इस पूरी सीरीज में। एक्सप्लोर कीजिए और चीज़ें भी इसमें देखें कि क्या क्या कुछ हो सकता है। अगर जो चीज़ें मेरे से रह गई हैं वो आप नीचे कमेंट्स वगैरह में लिखें, ताकि जो भी हमारे व्यूअर्स आएंगे उनको मेरी वीडियो के अलावा आपकी जो फीडबैक होगी उससे भी काफ़ी कुछ उनको पता लगेगा। तो यही मैं चाहता हूँ कि ये कोलैबोरेशन इस तरह की डेवलप हो जाए, जो मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको अपने वीडियोस के थ्रू देता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। तो चलते हैं, आज जो थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई उनको देख लेते हैं कि वो क्या है। तो ये स्क्रीन आपको नज़र आ रही है कुछ चीज़ें, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये अगर आपने अपने ईमेल से जीमेल के अकाउंट से लॉग इन हुए हैं तो गूगल आपका एक पूरा सारी कलेक्शंस रखता है, जो इस तरह हमने देखा था कि आप जितना कुछ सर्च करते हैं, जितना कुछ आपने मटेरियल देखा हुआ होता है उसका सारा रिकॉर्ड बन रहा होता है। इसके अलावा भी जो अगर आप सर्चेस करते हैं, अब हम जब जो रिसर्चर्स होते हैं या जो कोई चीज़ आप ढूंढ रहे हैं तो आप बहुत सारे लिंक्स से गो थ्रू होते हैं, और उसमें से फिर आप देख ये करना चाह रहे होते हैं कि आप जो लिंक्स आपके काम के हैं वो आप सेव कर सकें या कोई इमेजेस आप सेव कर सकें अपने गूगल अकाउंट में, तो वो भी आप अपने इसमें कर सकते हैं। आप अपनी एक कलेक्शन भी बना सकते हैं जिससे आप उसको फिर आप मज़ीद एज ए सोशल मीडिया, अगर हम गूगल को भी एक एज ए सोशल मीडिया लें, तो अपनी जो कलेक्टेड आपके मटेरियल्स हैं उनको लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कोलीग्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। कोई एक लाइब्रेरी आप डेवलप कर सकते हो सकती है, जैसे अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो कोई एक लाइब्रेरी भी क्रिएट हो सकती है आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन की, कि जहाँ पे मुख्तलिफ लोग रिसर्चर्स बैठे हुए वो उसी अकाउंट में सारा कुछ कलेक्ट करते जा रहे हैं, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में किसी एक टॉपिक के मुताबिक आप लिंक्स क्रिएट कर दें किसी एक जीमेल्स के मुताबिक को यूज़ करते हुए, और फिर जो भी लोग उससे मतलब जो रिसर्च कर रहे हैं तो वो उसमें कंट्रीब्यूट करते जाएं जहाँ जहाँ बैठ के अपनी लाइब्रेरी वगैरह में जिसमें भी, तो आपका एक बहुत बड़ा एक रेफरेंस मटेरियल बन सकता है। और ये आपने करना कैसे है ये अब हम देखते हैं। आपने सिंपल गूगल पे जाना है और गूगल के आगे स्लैश कलेक्शन लिख के जब आप जैसे ही एंटर करेंगे तो एक आपका अपना डैशबोर्ड खुल जाएगा। इसमें देखें कि ये इसके लिए आपको लॉग इन होना लाजमी है, क्योंकि जैसे मैं अपने अकाउंट में अपने अकाउंट से लॉग इन हुआ हूँ, ये मेरी कलेक्शंस हैं और ये मैं मुख्तलिफ अपने टैब्स जो है उसमें भी अरेंज कर सकता हूँ। यहाँ से मैं नई कलेक्शन डेवलप कर लेता हूँ, जैसे मैं पाकिस्तान के मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मैं उसका एक और टैब क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है।
तो ये आपकी टैब्स मुख्तलिफ टैब्स जो हैं यहाँ पे क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। अब इसमें आपने ऐड कैसे करने हैं अपने रिसोर्सेज, जैसे अगर हम गूगल पे जाते हैं, गूगल पर गए और यहाँ पे हमने पाकिस्तान मैप को सर्च करना है, जैसे फर्ज करें तो ये हमारे पास मुख्तलिफ मैप्स आ गए हैं। हम देखते हैं कि कौन सा मैप हमें चाहिए, जैसे ये मैप अगर हमें चाहिए अपनी कलेक्शन में तो यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शन आ रहे होंगे। जैसे ये देखें, इसको खोलेंगे तो आपके पास कलेक्शंस, गेट हेल्प, गेट फीडबैक, इसके बाद एक ये आपके पास एक टैब होगा, इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये आपकी कलेक्शन में चलेंगे, ठीक है। और इस तरह इसके बाद हमने ये किया, ये मैप अच्छा है, इसको भी ऐड कर लिया, और फिर ये वाला ऐप, ये वाला मैप भी हमने वो कर लिया। तो अब हमने जैसे ही हम इसको वो करेंगे रिफ्रेश अपने डैशबोर्ड को, तो हम देखेंगे कि ये जो हमारे लेटेस्ट एडिशंस हैं जो हमने ऐड की हैं अपने कलेक्शन में, तो वो हमें नज़र आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम वहीं पे उसी जगह पहुँच जाएंगे, जैसे यहाँ हमने क्लिक किया तो वही गूगल ने वो फुल रिसोर्सेस खोल के आपके सामने दे दिए। तो इस तरीके से आप अपनी कलेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं गूगल के अंदर रहते हुए भी, और ये बड़ा ज़बरदस्त फीचर है। मैं अगर स्कूल कॉलेजेस लोग जो हैं वो इनको यूज़ करें तो हर सब्जेक्ट के मटेरियल्स वो इसी तरह अपने लाइब्रेरीज में एक डिजिटल लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं गूगल की मदद से। तो वो यहाँ पे उनके स्टूडेंट्स को आप शेयर भी कर सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको कि इनका इस आप किसी भी दोस्त को, कुलीग को आप इसका एक्सेस भी दे सकते हैं जो आपकी कलेक्शन है। आप सिंपल यहाँ जाएंगे, आप देखेंगे यहाँ शेयरिंग, जैसे ही आप शेयरिंग करेंगे, अब दो ऑप्शंस हैं, या तो प्राइवेट रखें कि सिर्फ आप देख सकें, अगर आप शेयर करते हैं तो आपके पास ये लिंक आ जाता है। अब ये लिंक आप किसी को भी सेंड कर सकते हैं, आपकी अपने दोस्त को, या फिर आप अपनी लाइब्रेरीज में ओपन उनको अपने स्टूडेंट्स को बता दें कि दीज आर हमारी डिजिटल लाइब्रेरीज के ये लिंक्स हैं इन इन टॉपिक्स पे जहाँ पे आपको मटेरियल मिल सकता है। तो आपको बड़े आराम से आपके स्टूडेंट्स, आपके अगर आप रिसर्चर हैं या अगर आप ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो होती हैं वो भी अपनी डिजिटल लाइब्रेरीज गूगल की मदद से फ्री ऑफ कॉस्ट डेवलप कर सकते हैं ऑनलाइन। जो रिसोर्सेज ये लिंक्स आपने शेयर करने हैं सबके साथ, अब जिसको भी जो भी चीज़ चाहिए, अगर वो जो हम ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन का या स्कूल का या कॉलेज का रिसर्च्ड मटेरियल है जो उन्हीं स्टूडेंट्स की मदद से इकट्ठा किया गया है, तो उन तक एक्सेस वो ले सकते हैं। तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़, आप यहाँ से डायरेक्ट सोशल मीडिया में शेयरिंग भी कर सकते हैं, यहाँ भी कॉपी लिंक आ रहा है, अगर आप ओपनली पब्लिक को या अपने किसी भी दोस्त को आप डायरेक्टली सेंड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से सेंड कर सकते हैं। अच्छा, अब ये चीज़, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इम्पॉर्टेंट है, इसको यूज़ कीजिए, इसमें इसको और एक्सप्लोर करें। इसके बाद एक और चीज़, गूगल अलर्ट्स, ये एक बहुत यूज़फुल चीज़ है रिसर्चर्स के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए। और आप अगर कोई भी चीज़ चाहते हैं कि आपको उसके बारे में गूगल इन्फॉर्म करता रहे, किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी कोई भी चीज़ जो आप जिस पर भी आपका इंटरेस्ट है, उसके मतलब क्या नई चीज़ें इंडेक्स हो रही हैं गूगल में, तो वो आप उसको गूगल को कह दें कि भाई ये चीज़ें मुझे आप बताते रहा करें, तो गूगल आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। और इसके लिए आपको गूगल अलर्ट की सर्विस लेनी होगी। आपको अपने करना क्या है, आप इसलिए google.com के बाद /alert लिख कर एंटर कर देंगे, अलर्ट्स,
गूगल अलर्ट्स लिख के एंटर कर रहे हैं तो आप इस किस्म के डैशबोर्ड में आ जाएंगे। अब इस किस्म के डैशबोर्ड में मतलब ये है कि आप जिस भी अपने ईमेल से लॉगिन हुए हैं वो नजर आना शुरू हो जाएगा। अब आप किस चीज़ के मतलब अपने आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं, जैसे आजकल COVID-19 है और हम चाहते हैं कि हमें जैसे ही COVID-19 की वैक्सीन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हमें फौरन मिले, पता लगे, तो हम सर्च जो टर्म्स इसको दे देते हैं वो हम दे देते हैं COVID-19 और वैक्सीन, ये हमने लिखा तो आप देखेंगे नीचे वो तमाम सर्चेज आना शुरू हो गई। ठीक है, ये तो आ गई हैं। अब हम ये चाहते हैं कि गूगल हमें हमें बताता रहे इसके मतलब, तो फिर कैसे होगा? यहाँ से आपके पास ऑप्शंस, शो ऑप्शंस की मौजूद है। यहाँ पे आप क्या करेंगे कि आप देखें कि हाउ ऑफन आपको कोविड वैक्सीन के बारे में कितना बताए, किस टाइम इंटरवल का पूछना चाह रहा है। एज इट हैपन्स, जैसे ही गूगल के पास कोई इन्फॉर्मेशन आए तो वो बताए, हमें इसको एज इट हैपन कर देते हैं, या एट मोस्ट वंस अ डे और एट मोस्ट वंस अ वीक, जितना भी आपका वो इंटरेस्ट लेवल है उस हिसाब से। अब आपने हमें यहाँ पे एज इट हैपन्स कर दिया। उसके बाद सोर्स, हमारे पास ये ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक ही रखनी चाहिए क्योंकि गूगल के पास जो सोर्सेज आ रही होती हैं, रिसोर्सेज आ रही होती हैं, किसी भी टाइप की वेबसाइट से आ रही होती हैं, जैसे भी वो न्यूज़ से भी आ सकती हैं, ब्लॉग से या वेबसाइट से या वीडियोस से या बुक्स से या किसी भी तरीके से, तो उसको हमने ऑटोमेटिक ही रखना है। इसके बाद किस लैंग्वेज प्रेफरेंस भी आप दे सकते हैं, फिर उसके बाद एनी रीजन, किस जगह से आपको इंफॉर्मेशन आने की आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप एनी रीजन कर दें तो पूरी दुनिया में कहीं भी अगर कोई कोविड वैक्सीन के हवाले से काम होगा, इंडेक्स होगा, तो वो आपके पास आ जाएगा। और हाउ मेनी, कितने रिजल्ट्स आपको हो तो आप ऑल रिजल्ट्स कर दें। ठीक है, अब ये ऑल रिजल्ट्स हैं। अब इसके बाद डिलीवरी मैकेनिज्म, अब ज़्यादातर हमारे पास या तो RSS हम इतना यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन यह है कि आपने जो भी जिससे भी आप अपने यूज़ ईमेल से लॉगिन हुए हुए वो आपके पास आ जाएगा और उसमें आप अलर्ट उसमें आना शुरू हो जाए। जैसे ही हम यहाँ पे क्रिएट अलर्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि जी माई अलर्ट्स में 1 कोविड वैक्सीन का अलर्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, अब क्या होगा कि मुझे ईमेल्स रिसीव होने शुरू हो जाएंगी जैसे ही गूगल के पास कोई भी नया लिंक इंडेक्स होगा इस कीवर्ड के हवाले से, तो मुझे ईमेल आ जाएगी। तो ये बड़ा ज़बरदस्त, ये भी एक बहुत ज़बरदस्त रिसोर्स है जो हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में या अपनी स्टूडेंट लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो रह गई थी, तो कलेक्शन और एक अलर्ट। इसके अलावा और भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम देख लेते हैं। कीवर्ड रिलेटेड कैलकुलेटर, जिस तरह का भी आपको चाहिए, अगर आप यहाँ पर कैलकुलेटर लिखेंगे तो गूगल आपको एक कंप्लीट कैलकुलेटर की फैसिलिटी दे देगा। इसी तरीके से अगर आपको करेंसी कन्वर्टर चाहिए तो आपके पास करेंसी कन्वर्टर आ जाएगा। अब इसके बाद आप कोई भी अपनी फ्रॉम और कोई भी दो करेंसीज के दरमियान एक्सचेंज रेट्स बहुत आराम से मालूम कर सकते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है। उसके बाद टेम्परेचर, अगर आप देखना चाहते हैं जिस रीजन में आप होंगे वहाँ का सारा टेम्परेचर आ जाएगा। जिस वक्त मैं जिस तरह इस वक्त डब्लिन में हूँ और वहाँ का सारा ये आ रहा है टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन आप लोग करेंगे तो जिस रीजन में आप होंगे वहाँ से आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं टाइम, अगर आप कहेंगे तो आपका जो करंट जगह है वहाँ का टाइम आ जाएगा। इसके अलावा आप कहीं का भी टाइम दे सकते हैं, जैसे मैं इस वक्त पाकिस्तान टाइम देखना चाहूँ तो पाकिस्तान टाइम करूँगा तो मेरे पास पाकिस्तान का टाइम आना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से हम डेट भी देख सकते हैं, इसी तरीके से हम ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके जिसमें बाज़ दफ़ा हम ये गूगल आपके लिए सब चीज़ कर। इसी तरीके से अगर आप
एरिया या कोई डिस्टेंसेस आप उसमें वो करना चाह रहे हैं तो वो भी बड़े इजीली हो जाता है. जैसे कि अपने हमने सेंटीमीटर टू इंचेस लिखने अब आपके पास कंप्लीट कैलकुलेटर आ गया जिसमें तमाम डिस्टेंस मेयरिंग या लेंथ मेयरिंग वो सारी चीज़ें आ जाती हैं आपके पास मेयरिंग टूल्स और उसके बाद स्टैंडर्ड्स और वो तमाम स्टैंडर्ड यहाँ भी मौजूद हैं इनके आपस में आप कन्वर्जन्स बड़ी इजीली कर सकते हैं कि एक सेंटीमीटर इंचेस के बराबर कितना है या किलोमीटर जो है वो कितने माइल्स के बराबर है तो आपको वो भी पता लग जाएगा. इसी तरीके से अगर हम जो हमारी कंप्यूटर की मेमोरीज वगैरह होती हैं वो कन्वर्जन्स में बड़ा मसला होता है. अगर हम बिट टू बाइट देखते हैं देखना चाहते हैं तब भी हमें ये कैलकुलेटर आ जाता है. इसमें जितनी भी मेमोरी की मेयरिंग और वो भी आपको नज़र आ रहे हैं कि एक वन बाइट में कितनी बिट्स होती हैं 8 bits होती हैं या अगर आप वन देखना चाहते हैं कि 1000 bytes कितने megabyte के बराबर है तो वो भी आपको पता लग जाएगा. ठीक है तो इस तरीके से ये सारा कुछ आप कन्वर्जन वगैरह कर सकते हैं. इसके बाद मैं डिज़ाइनर्स के लिए जो कि ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं या वेबसाइट डिज़ाइनर्स हैं उनके बाद उनके लिए एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो है कलर पिक. कलर के मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स होते हैं आप स्क्रीन पे और प्रिंटिंग में जब स्टैंडर्ड्स करते हैं तो हर कलर का डिफरेंट कोड होता है तो वो बड़ा मुश्किल होता है कोड कलर मैच करना डिज़ाइनर्स को ग्राफिक डिज़ाइनर्स को और वो मुख्तलिफ जो कलर्स के स्टैंडर्ड्स हैं उनमें कन्वर्जन उनकी वैल्यूज़ में कन्वर्जन का बड़ा दिक्कत होती है. तो ये गूगल का बड़ा अच्छा कलर पिकर का एक टूल मौजूद है. इसमें आप सारे जो भी आपका कलर है आप उसको उसके रियल टाइम में आप RGB स्टैंडर्ड में भी वैल्यूज़ ले सकते हैं CMYK में भी और इसमें SHV में भी और हेक्सा वैल्यू भी आ रही है. तो ये इस तरह तमाम आप बड़ा इजीली किसी भी कलर को आप उसकी वैल्यूज़ मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स में ले सकते हैं. तो ये ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए और वेब डिज़ाइनर्स के लिए और कोई भी ऐसे लोग जो कलर्स के साथ काम करते हैं और उनके लिए ये टूल बड़ा ही ज़बरदस्त है. इसके बाद फाइनेंस के बारे में हम कुछ देखेंगे कि जो लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं ऑनलाइन या मुख्तलिफ कमोडिटी में या करेंसीज में तो उनके लिए भी आपको सिर्फ गूगल के आगे फाइनेंस लिखना है. फाइनेंस लिखेंगे तो आपका एक कंप्लीट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म खुल जाएगा गूगल देता है. इसमें आपके पास मज़ीद अगर आप कोई स्टॉक्स में काम करते हैं तो जो भी आप कुछ सेव कर रहे हैं ये देखें ये तो मार्केट समरीज तकरीबन आ रही है सारी न्यूज़ भी आ रही हैं लोकल मार्केट न्यूज़ भी आ रही हैं सब कुछ आ रहा है. और जो अगर आप कोई स्टॉक्स में अपना काम अपने लिए काम करना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं ऐड टू वॉच लिस्ट में बना सकते हैं कि कौन सी चीज़ को आप मॉनिटर करना चाह रहे हैं किसी ट्रेडिंग कमोडिटी को तो यहाँ से आप पूरा अपना एक डैशबोर्ड खुद क्रिएट कर सकते हैं. उसके बाद आप लोकल मार्केट जो आपकी जैसे मैं जिस मुल्क में हूँ वहाँ की इस वक्त मार्केट कंडीशन आ रही है सारी. आप अगर पाकिस्तान में होंगे तो आप वहाँ की मार्केट की कंडीशन आ जाएगी इंडिया में होंगे इंडिया की आ जाएगी. इसी तरह पूरी दुनिया की मार्केट की कंडीशन भी अगर आप देखना चाह रहे हैं तो भी आपको यहाँ पे कंप्लीट डैशबोर्ड मिल रहा है. और इसी तरीके से इनको आप मॉनिटर भी कर सकते हैं गूगल आपके लिए इन तमाम चीज़ों को सेव भी करना शुरू कर देगा. तो ये फाइनेंस के लोगों के लिए और ट्रेडर्स के लिए एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है और सब कुछ रियल टाइम अप टू डेट यहाँ पे मौजूद होता है. तो ये कुछ इस तरह की बेशुमार छोटी छोटी टूल्स हैं लिंक्स हैं कमांड्स हैं जो गूगल सर्च लाइंस पे आप लिखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो डिज़ायर्ड होती है वो मिलना शुरू हो जाती है. तो यहाँ पे अब मैं गूगल के लेसन्स को ख़त्म करूँगा और इसके बाद अब जितना कुछ भी आगे एक्सप्लोर करना है वो आपने खुद करना है.
और कोई नई चीज़ अगर आपको मिलती है और आप को कोई बेहतर कमांड लाइंस कोई इस तरह की कोई भी चीज़ या गूगल आने वाले वक्त में और भी बहुत सी चीज़ें निकालेगा, और अगर वो भी आपने फिर कमेंट्स में नीचे जो भी ये सीरीज है 6 लेक्चर्स की इसमें आप शेयर करेंगे ताकि जो भी व्यूअर्स हैं उनको कमेंट्स पढ़कर भी बहुत सी चीज़ें नई पता लग जाएं। और अगर मुझे कोई नई चीज़ कोई बहुत अच्छी चीज़ स्टार्ट होती है गूगल में या जो मैं अभी कवर नहीं कर सकता इन फ्यूचर भी मैं उसकी वीडियो इसी सीरीज़ की जो प्लेलिस्ट बनाऊंगा उसमें मैं एंटर कर दूँगा ताकि वो भी रिसोर्स बढ़ता जाए। तो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं, थैंक यू वेरी मच। और ये इस पूरे 6 लेक्चर्स के जो हैं इनको जो भी आप लोग इसको अटेंड करेगा देखेगा तो मुझे बड़ी शिद्दत से इंतज़ार रहेगा उसकी फीडबैक का। तो आपने मुझे फीडबैक ज़रूर देनी है कि आपको ये चीज़ें ये कितना आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपने एकेडमिक लाइफ में कितना फ़ायदा देने लग गई हैं या आपने कितना इम्प्रूव किया है अपनी सर्विस को और गूगल के यूज़ को। तो ये मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट्स का। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, हम अब अगले जो वीडियो स्टार्ट करेंगे वो किसी नई टॉपिक के लिए में होगा और उसको भी फॉलो करें वो भी शायद आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन ना भूलिए क्लिक करना ताकि आपको अलर्ट्स आते रहें। अलर्ट्स दुनिया में बहुत ज़रूरी हैं इस दुनिया में, जैसे भी मैंने आपको बताया कि आप गूगल को भी कह सकते हैं कि मुझे अलर्ट्स भेजते रहो ताकि आप इन्फॉर्म रहें, ताकि जो भी जितना भी नॉलेज मेरे पास है या जो चीज़ मैं आपको कन्वे कर सकता हूँ जो मैं करता जाऊँगा अपने जैसे जैसे मुझे मौका मिलता जाएगा तो आपको उसके बारे में पता लगता जाए। तो बेल आइकॉन बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच अगेन, अल्लाह हाफिज़।